श्री राम प्रकाश गौतम स्वागत है आपने, बहुत अच्छा दिया। श्री राम अवतार पाल रतिराम चौहान, मूल कोऑर्डिनेटर पीएसपी रतिराम चौहान। अभी से खुलवाइए नहीं तो विरोधी उसका फायदा ले लेंगे। जो आप पूछने जो जवाब देने लायक है वो मैं जरूर जवाब दूंगा। तैयारी चल रही है जी, तैयारी चल रही है। सर लिस्ट कब तक आएगी भी? किसकी? दो तीन दिन में, ठीक है। अब मैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, और बाहर आने के लिए जरूरी है कि उसमें पतझड़ आवे। अगर पतझड़ नहीं आएगा, अगर पतझड़ नहीं आएगा तो बाहर नहीं आएगी। तो जो कमजोर पत्ते हैं, शाखें हैं, अगर वो नहीं टूटेंगी तो दूसरी शाखों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमें खुशी इस बात की है कि जनता प्रियंका जी के साथ, कांग्रेस के साथ, हमारी पार्टी के साथ है। और इस बात को आप कहें या ना कहें, अपने दिल में जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत हुई है कि वही खड़ी है कि कमजोर हुई है। मैं इधर दिमाग कर रहा हूँ, कांग्रेस रटा हुआ है ना, तो वो कांग्रेस रटा हुआ ना, अभी आए नहीं, छोड़ेंगे कहाँ से? जब आएंगे तभी तो होगा ना। वो कांग्रेस कांग्रेस इतना रट गया है तो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे बीच में बैठे हुए हैं एक बहुत पूर्वांचल के बहुजन समाज पार्टी के जाने माने दिग्गज नेता हैं, माननीय राम प्रकाश गौतम जी हैं। ये मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी में उससे पहले, तो आज अम्बेडकर नगर से ये भी बैठे हुए हैं आपके। तो आज सभी जिम्मेदार साथियों, मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि इधर इधर माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी की कार शैली से प्रभावित होकर और बहुजन समाज पार्टी की जो डुबाने वाली नीति है उससे त्रस्त होकर, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है उससे त्रस्त होकर के, कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर के, प्रियंका गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हुए आज हमारे बीच में श्री बलदेव प्रसाद जी, जिनका मैं परिचय दे चुका हूँ, श्री जितेंद्र गौरव जी, जिनका मैं परिचय दे चुका हूँ, श्री राम अवतार पाल जी, जिनका परिचय मैं दे चुका हूँ, श्री राम प्रकाश गौतम जी, जिनका मैं परिचय दे चुका हूँ, श्री विवेक सेठ जी, ये मौरवा के हैं। आइए भाई विवेक जी आइए। आप जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, और श्री रवि राम चौहान जी, श्री अभय कुमार चौहान जी, श्री पंकज यादव समाजवादी पार्टी छोड़ करके, श्री सत्तार भाई बीएसपी छोड़ करके, श्री रोहित प्रजापति सपा छोड़ करके, श्री रविंद्र उपाध्याय जी, श्री मती जयरानी गौतम सपा छोड़ करके, श्री उत्तम कुमार बीजेपी कानपुर को छोड़ करके, श्री जगरोशन बीजेपी कानपुर को छोड़ करके, श्री मोहम्मद सलीम आदि के साथ ये सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। सबका नाम लूँगा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये सैकड़ों लोग आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इनका अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से, माननीय लल्लू जी की ओर से, माननीय प्रियंका जी की ओर से, राहुल जी की ओर से, नसीमुद्दीन सदीकी जी मंच पर बैठे दूसरे साथी, प्रेस बंदियों, डेली हर रोज कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं,
प्रियंका जी की नीतियों, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर आज भी बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। प्रसन्नता होती है जब परिवार बढ़ता है, हमारा भी परिवार बढ़ रहा है, हमको भी बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। और सभी शामिल हुए लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, प्रेस में जो प्रवक्ता हमारे बने हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो शामिल हुए हैं उनसे उनको मैं आश्वासन देता हूँ कि जो नीति को लेकर वो आए हैं, जो उम्मीद लेकर वो आए हैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की जनता की सेवा करने के लिए, उनको हर तरह का हमारा सहयोग रहेगा, पूरी तरह से आशीर्वाद रहेगा कांग्रेस पार्टी का। और ख़ास तौर से नसीमुद्दीन जी भाई शामिल करा रहे हैं, इनकी नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं सभी लोग, तो इनका तो कहना ही क्या, मुझे नहीं मुँह पर कहना चाहिए। तो उम्मीद है कि वो जो भावनाएँ ले कर आए हैं उनकी भावनाओं को अवश्य पूरा किया जाएगा और वो पूरी होंगी। धन्यवाद। जय।